शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे गिरफ्तार कीजिए, इस जबरदस्ती हमारे घर घुसाया। मैं मिस्टर कुणाल को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मिस्टर कुणाल का घर है। मैं इस पे 420 का केस ठोक दूंगा। मिस्टर करण, अगर आपको इनके ऊपर केस करना है तो आप शौक से कीजिए, लेकिन जब तक कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक आप मिस्टर कुणाल को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरा और काव्या का कमरा है। अब ये कमरा मेरा है। आज से लीगली इस घर का मालिक मैं हूं। तो मेरा रूम कौन सा होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो इस हवेली का मालिक होने के नाते आज से ये रूम मेरा हुआ। चलिए सब लोग बाहर निकलिए, मुझे आराम करना है। प्लीज 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 कम ऑन, रुकिए। रिश्ते कमरे के मोहताज नहीं होते, हम किसी और कमरे को अपना आशियाना बना लेंगे। इसे बिखरने दीजिए हमारे इस कमरे में। चलिए जरा लाइट ऑफ करते हुए जाना। एसपी साहब, वो हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है, अगर पुलिस उसे नहीं निकालेगी तो क्या हम निकालेंगे? मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुलिस से मदद मांग रहा हूं। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एसपी साहब का कहना है कि जब तक ये कोर्ट केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हमारी मदद नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। करण, आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ करें, मगर आप हिम्मत मत हारिएगा। इस समय किसका कॉल हो सकता है? कोई बात नहीं दादी, आप फोन स्पीकर पर डाल दीजिए। भवानी जी, क्या ये सच है कि सिंह खानदान का असली वारिस मिस्टर कुणाल गायत्री सिंह है? सब कुछ इतना सही चल रहा था, पता नहीं कहां से ये जहरीला सांप हमारे जीवन में कुंडली मारकर आकर बैठा है। दादी मां, आप टेंशन मत लो, रात बहुत हो गई, आप प्लीज सो जाइए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आइए। आप दोनों कहां जा रहे हैं? तरीमा, हम हॉल में सोने जा रहे हैं। आप दोनों यहीं सोएंगे वरना हमें बहुत बेचैनी रहेगी। अरे तरीमा, करण, अगर आप चाहते हैं कि हम आराम से सोएं तो आप दोनों को यहीं सोना होगा हमारे साथ।
ठीक है दादी, तुम दादी माँ के साथ सो जाओ। आज अच्छी नींद आएगी। अपने घर पे सोने का सुकून ही अलग है। हेलो, देखो बाकी लोगों का तो पता नहीं पर तुम्हारे आ जाने से हम दोनों को बहुत खुशी मिली। इधर उधर की बात करना छोड़ी और सीधा मुद्दे पर आई। आपकी तरह हम भी काव्या करण को बर्बाद करना चाहते हैं। तो फाइनली अगर मैं और आप हाथ मिला लें तो हम वक्त बचा के अपने दुश्मनों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। बस यही है मुद्दा। मेरे साथ हाथ मिलाना आप दोनों के लिए कांटों भरा सफर है। और वैसे भी मुझे आप जैसे जोकरों की जरूरत नहीं है। कुणाल अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। जाते जाते दरवाजा बंद कर लेना। मेनका जी, दरवाजा बंद कर देना। जिस बात का डर था वही हुआ। ये हमसे कभी हाथ नहीं मिलाएगा। मिलाएगा माँ, मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। जितनी बड़ी हमारी मजबूरी ना उससे हाथ मिलाने की, उससे कई ज्यादा मजबूरी उसकी है। फिक्र मत करिए, आज नहीं तो कल कुणाल हमसे हाथ जरूर मिलाएगा। फूल्स, इन ना समझो को कैसे समझाऊं कि काव्या मेरी दुश्मन नहीं है। काव्या को मैं बर्बाद करने नहीं बल्कि उसे आईना दिखाने आया, उसकी ढाल बनकर उस बहरूपिये से काव्या को बचाने आया।
उस बेरूपिये को काव्या से दूर करने के लिए यही आइडिया सही है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। ये इस समय आवाज कैसी आ रही है पता नहीं। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती। मैं देखता हूँ आप परेशान मत होइए। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। क्या चल रहा है सर? गाना बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। वैसे मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूं कि मैंने आप दोनों की नींद बिगाड़ दी, पर मैं क्या करता मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए ये सब अरेंजमेंट्स करना पड़ा। क्या है ना कि ऐसे घूरू मत, मैं डर जाऊंगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने वीडियो लगा ली, मेरे और काव्या की अधूरी शादी की पूरी वीडियो। बड़ा मजा आ रहा है, उस पल को जी रहा। करण काव्या को परेशान करने का इस कुणाल का ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। और मजा क्यों ना आए, हाँ मजा क्यों ना आए। मेरी और काव्या की सगाई हो गई थी, हल्दी का सारा कार्यक्रम भी हो गया था,
तो उस नाते से काव्या मेरी आधी बीवी बन गई। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैं हमेशा से करण की थी हूं और ताउम्र रहूंगी। यही मेरी पहचान है। देखा तुमने कितना प्यार करती है काव्या करण से। जब तुम स्वर्गीय करण से इतना प्यार करती हो तो क्यों खड़ी हो इस भैरूपिये के साथ? अपनी जबान पे लगाम दो तुम। तुम्हारी ये बकवास करने से ना सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तो तुम्हारे आंख पर पट्टी बांधने से भी झूठ सच नहीं हो जाएगा। जब तुम करण से इतना प्यार करती हो तो तुम खुद को और करण को दोनों को धोखा दे रही हो। तुम्हें जितना तमाशा करना है कर लेना। इस वक्त सबको सोने दो। आपको सोना है तो सो जाओ, पर मुझे तो वीडियो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं तो वीडियो देखूंगा। वाह बहुत हो गया, अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ वरना क्या मारोगे? नहीं बताओ वरना क्या? तू ऐसे नहीं मानेगा करण। जाने दीजिए इसे, इसके मुंह मत लगे, ये जानबूझकर कर रहा है, आपको उकसा रहा है। ए, कहां जा रही हूँ? ज़्यादा तमाशा देखो, कोई जाने की जरूरत नहीं। अरे पर चलते नहीं, कोई तो मरेगा। करण पीछे आ जाइए, इसके मुंह मत लगी है। चलो जाइए। चलिए जो भी हो, इन दोनों की लड़ाई से अपना काम आसान हो जाएगा। ओ विलेन, गुड नाइट। नींद नहीं आ रही ना तुम्हें? हाँ नींद नहीं आ रही। चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारे शादी के वीडियोस देखता हूं, लेकिन एक शर्त है, ताकि घर के सारे लोग सो पाए इसलिए आवाज नीचे। चलेगा? तुम्हारी सारी शर्त सर आंखों पर। आओ, वैसे भी अकेले बैठ के मैं बोर होऊंगा, तुम आ जाओगे तो मजा डबल हो जाएगा। आप लोग ऊपर चलिए, मैं आता हूं। किरण मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपको उकसा रहा है? मैं जानता हूं क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं होगा। करण ये आदमी बहुत शातिर है, आप ऊपर चलिए हमारे साथ। दादी माँ विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं जानता हूं मैं क्या करूं। दादी माँ को लेके जाओ प्लीज। आइए दादी माँ। चलो माँ, आज का ड्रामा ओवर। खुदा बाहर निकली चोया।
चलो इस वीडियो के बहाने कम से कम आज रात को तो मैं इस बहरूपिये को काव्या से दूर रखने में कामयाब हो गया। अब कल की कल देखेंगे। शुरू करें। बहुत जल्द तुम्हारे झूठ और फरेब का पर्दाफाश करूंगा। फिर तुम देखना कि काव्या तुम्हें कैसे धक्के मार के इस हवेली से बाहर करते हैं। मैं हमेशा से करण की थी हूं और ताउम्र रहूंगी। महादेव कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।